भारत हमेशा से ऐसा देश रहा है जहाँ धर्म को वैल्यू दी गई है, और जो असली धर्म है वो ज़रूरी भी है इंसान के लिए। बिना इंसानियत के या बिना धर्म के सिर्फ एक जानवर की तरह ही है इंसान। लेकिन धर्म के नाम पर इस देश में हमेशा से ही लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया है। धर्म के आड़ में इन धर्म गुरु और बाबाओं ने खूब बेवकूफ़ बनाया है और अपनी रोटियाँ सेकी है। और बात सिर्फ तब की नहीं है जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी एजुकेटेड लोग इन बाबाओं की बात आँख बंद करके मानते हैं। आज भी देश में पढ़े लिखे गंवार भरे पड़े हैं जो इन बाबाओं की बात आँख बूंद करके मानते हैं और इन पर भरोसा करते हैं। ऐसे ही बाबाओं में से एक जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है और बागेश्वर धाम के नाम से फेमस हो रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री। एक्चुअल में इसके खुद के नाम की कोई पहचान है भी नहीं, इसे लोग जानते ही हैं बागेश्वर धाम के नाम से। देखो, हम इधर उधर की फालतू बातें नहीं करेंगे कि कौन सी सिद्धि या शक्ति है इसके पास, या फिर कौन सी सिद्धि कितनी पावरफुल है। ये सब बातें उन्हें करने दो जो लोगों को सिर्फ एंटरटेन करना चाहते हैं। सीधी सी बात ये करते हैं कि ये ऐसा क्या करता है कि लोग इतने बावले हैं इसके पीछे। देखो, ये सिर्फ बागेश्वर धाम या भगवान के आड़ लेकर के वही सब बताता है जो तुम्हें पहले से ही पता है। जैसे कि अगर कोई इसके पास जाता है तो इसने एक पर्चे वाला सिस्टम कर रखा है। इस पर्चे में ये वही चीज़ें लिखेगा तुम्हारे बारे में जो तुम्हें पहले से ही पता है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, किस गली मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बस यही सब। और ये दो पांच चीज़ें बताने के बाद भाई साहब बोलते हैं आशीर्वाद, सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद, बस काम ख़त्म। देखो, अगर तुम कोई प्रॉब्लम लेकर जाते भी हो इसके पास तो ये तुम्हें प्रॉब्लम बताएगा, आशीर्वाद भी देगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देगा। अब चाहे इसके पास दुनिया भर की सिद्धियाँ और शक्तियाँ पड़ी हो, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का, ऐसी सिद्धियों का जो किसी काम की नहीं है। हाँ, बस तुम्हें एंटरटेन ज़रूर कर रही है। जो चीज़ इंसान को पहले से ही पता है उसे वापस से बताने का क्या लॉजिक? वो तो तुम्हें पहले से ही पता है, उससे क्या चेंज हुआ तुम्हारी लाइफ में? तुम्हारे खुद के बारे में एक ही बात बार बार जानकर क्या करोगे तुम? लेकिन लोगों को यही बहुत एंटरटेनिंग लगता है कि देखो, ये तो हमारे बारे में सब जानता है, ये तो कितना अंतर्यामी है, चमत्कारी है। हालांकि जादू टोने और चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। लेकिन जो लोग दिमाग से खाली हैं उनके लिए ये जादू टोने वाली बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो भगवान और धर्म की आड़ लेकर के इधर उधर की चमत्कारी कहानियाँ सुना करके खूब नाम और पैसा छाप रहे हैं। इन बाबाओं की बातें रियल लाइफ में तो किसी काम की होती नहीं हैं, लेकिन आम आदमी का मनोरंजन बहुत अच्छे से करती है। और आम आदमी को अपनी खाली ज़िंदगी में सिर्फ मनोरंजन ही तो चाहिए। बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ ही ये इंसान की सोच को लिमिटेड और बंधी हुई बनाने का काम कर रहे हैं। बिना सोचे समझे और बिना कुछ जाने बस इन बाबाओं की बातें मान लो, बस ये मानकर बैठ जाओ कि कोई तो है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, अपने लाइफ का सच देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इन बाबाओं से आशीर्वाद लेते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी चाहे कितनी भी घटिया हो, तुम्हारे काम चाहे कितने भी गिरे हुए और छोटे क्यों ना हो, बस चुपचाप करते रहो। इस तरह की मेंटेलिटी भरने का काम कर रहे हैं ये सो कॉल्ड धर्मगुरु और बाबा। और एक नाम और पकड़ लिया है इन लोगों ने आजकल, सनातन का। हालांकि अपने आप को सनातनी बताने वाले ये लोग कभी भी धर्म की कोई बात नहीं करेंगे। इन बाबाओं के मुँह से कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि गीता पढ़ो, उपनिषद और वेद पढ़ो, क्योंकि जिसने भी ये सब पढ़ लिया वो इन बाबाओं के चक्रों में पड़ेगा नहीं। इनके पास सिर्फ कहानियाँ होती है सुनाने को, क्योंकि वही है इनके धंधे का बेस, कहानियाँ। सनातन की आड़ तो ये बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन सनातन का मतलब भी नहीं पता है ऐसे लोगों को। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए हैं ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबा, लेकिन आज का सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है इनके लिए, जिसकी वजह से ये आम इंसान की ज़िंदगी में घुस कर बैठे हैं। देखो, जो लोग जानबूझ करके बेवकूफ़ बनना चाहते हैं वो तो हमेशा इन बाबाओं के पीछे ही चलेंगे, लेकिन जो यूथ खुद के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा और मीनिंगफुल काम कर सकती है, उनका दिमाग भी सड़ा कर रख दिया है इन बाबाओं ने। देखो, सारी बातों का सार यही है कि अगर तुम खुले दिमाग से चीज़ों को देखोगे तो कोई भी बाबा तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर तुम लालच और मतलब की नज़र से चीज़ों को देखोगे तो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ ही बनते रहोगे। धर्म से ज़्यादातर लोगों को वैसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो असली ग्रंथों को पढ़ो, क्योंकि वही एक तरीका है सिर्फ। इस तरह के बाबा तो हमेशा मार्केट में रहेंगे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे।
सनातन तो किसी भी चीज को आंख बंद करके मानने के लिए मना करता है और चीजों को जानने के लिए बोलता है। लेकिन जब तक तुम इन बाबाओं को ही सुनते रहोगे तब तक तुम्हें सिर्फ मानने को बोला जाएगा, जानने को नहीं। सच के तुम आसपास भी नहीं जा पाओगे, चाहे कुछ सालों तक तुम इन बाबाओं को सुन लो और ट्राई कर लो, कुछ भी नहीं आना तुम्हारे हाथ सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा।